पकड़ो इस वानर को। ठहरो, मैं यहां युद्ध के लिए नहीं शांति वार्ता के लिए आया हूं। यह शक्ति प्रदर्शन तो मात्र इसलिए था ताकि आप सब ये जान लें कि शांति वार्ता करने वाले दुर्बल या भीरु नहीं होते। भी एक दूत आया था बस वनवासी नर का। विभीषण की बातों में आकर जिसे मैंने जीवन दान दिया वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, किंतु आज तुम्हें बचाने कोई विभीषण नहीं आएगा यहां। आने का दुस्साहस कर बहुत बड़ी भूल की है तुमने वानर। हम उस वनवासी की वानर सेना के संहार का आरंभ तुमसे ही होगा। युवराज अंगद कहीं कुछ और ऐसा न कर दें जिससे रावण और भड़क उठे। मुझे उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना होगा। आश्चर्य है, जिस खड़क चंद्रहास को देखकर बड़े बड़े महायोद्धाओं की भय के कारण कप कपी छूट जाती है, उस खड़क के सामने तुम निर्भीक होकर खड़े हो। तुम किसी महाबली योद्धा के पुत्र हो क्या? उचित कहा आपने। महानतम वाली का पुत्र अंगद हूं मैं, जिन्होंने आपको अपनी कांख में दबा कर रखा था और आपका दंभ चूर कर दिया था। पिताश्री, वानर ने अपने मुख से आपका अपमान करने का दुस्साहस किया है। सदा के लिए बंद किए देता हूं उसके मुख को। नहीं पुत्र मेघनाथ, ये मेरे प्रिय मित्र वाली का पुत्र है और मित्र का पुत्र अपने पुत्र के समान ही होता है। पुत्र, तुमने अपना परिचय देकर मुझे पुत्र वध के पाप से बचा लिया। आओ पुत्र, मेरे हृदय से लग जाओ। आओ पुत्र। ये दुष्ट राक्षस कहीं कोई छल करने तो युवराज अंगद की ओर नहीं बढ़ रहा है? आओ पुत्र। तुम्हारा क्रोध समझता हूं मैं पुत्र,
तुम्हारे पिता की रक्षा नहीं कर पाया। पिता की हत्या के पश्चात तुम इतने विवश हो गए, भूत बनना पड़ा उस वनवासी का, जिसने छल से छिपकर तुम्हारे का निर्मम वध किया। परंतु तुम अब उचित स्थान पर आए हो पुत्र। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा पुत्र। हे प्रभु, ये कपटी राक्षस तो युवराज अंगद के मस्तिष्क में विष घोलने का प्रयास कर रहा है। हम मिलकर तुम्हारे पिता के निर्मम वध का प्रतिशोध लेंगे पुत्र। छलिया है वो वनवासी, अपने स्वार्थ के लिए भाइयों में फूट डालकर उसने मेरे प्रिय मित्र बाली का वध किया। राजपद उस सुग्रीव को दिया और अब मेरे अनुज विभीषण को अपने साथ मिलाकर उसे लंकेश बनाने का लालच देकर वही कपट योजना उसने मेरे साथ भी रची है। रावण, बंद करो ये अनर्गल प्रलाप, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। परंतु हम उसे सफल नहीं होने देंगे पुत्र। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर भी प्रतिशोध की ज्वाला अवश्य धधक रही होगी। मेरा साथ दो पुत्र, हम मिलकर उस वनवासी का अंत कर देंगे। फिर उस सुग्रीव को तुम्हारे मार्ग से हटाकर तुम्हें तुम्हारा अधिकार, तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवाकर मैं अपने प्रिय मित्र वाली का भी ऋण चुका दूंगा। प्रभु श्री राम ने हमें यहाँ शांति वार्ता के लिए भेजा है, उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता मैं। इसलिए जब तक ये ज्ञात न हो जाए कि युवराज अंगद इसको क्या उत्तर देने वाले हैं, मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मान लो मेरा प्रस्ताव पुत्र। पाप कर्म में लिप्त, पाप की कीचड़ के अतल दलदल में धंसे हैं आप लंकेश। आपको मुझे परामर्श देने का कोई अधिकार नहीं। मैंने जीवन पर्यंत धर्म का साथ देने का प्रण किया है। अधर्म और अधर्मी दोनों का साथ मुझे स्वीकार नहीं। लंकेश, जिस प्रकार पिताश्री को धर्म और मर्यादा के उल्लंघन करने का दंड मिला था, उसी प्रकार आप भी अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए, या धर्म को छोड़ धर्म पथ को स्वीकार कीजिए। तुम्हारा अंतिम निर्णय, अपने पिता के वधिक का साथ देना, सदा ही उसका सेवक बनकर रहना स्वीकार है तुम्हें? हाँ, मेरी प्रभु भक्ति और मेरा निर्णय हिमालय के समान अड़िग है। राम दूत होने के नाते आपको प्रभु श्री राम की अंतिम चेतावनी सुनाना मेरा कर्तव्य है। ध्यान पूर्वक सुनिए। या तो आप माता जानकी को सादर उनके स्वामी श्री राम के निकट पहुंचा दें, या रणभूमि में श्री राम के कोप का सामना करने का साहस करें। विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी शिराओं में महानतम वाली का ही रक्त प्रवाहित हो रहा है।
कैसे पुत्र हो तुम? मेरा समर्थन प्राप्त होने के पश्चात भी अपने पिता के पदिक का साथ दे रहे हो। वदन कर रही होगी महानतम वाली की आत्मा ये देखकर। सत्य कह रहे हैं आप। अपने अंतिम समय में रुदन किया था मेरे पिताश्री ने। प्रभु प्रेम से भाव विह्वल होकर अश्रु बहाए थे उनके नेत्रों ने। जब प्रभु के प्रभुत्व का प्रत्यक्ष दर्शन मिला उन्हें, अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना भी की थी उन्होंने प्रभु से, परंतु अपनी भूल स्वीकार करने में बहुत विलंब कर दिया उन्होंने। पिताश्री के मित्र हैं आप, इसलिए समझा रहा हूं आपको। अभी भी समय है आपके पास। प्रभु ने अपनी शरण में आने का अवसर दिया है आपको। उठा लीजिए उसका लाभ, रक्षा कर लीजिए अपनी और अपनी लंका की। देर होने के पूर्व ही संभल जाइए लंकेश। अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो वानर। मित्र के पुत्र हो इसलिए अभी तक यहाँ जीवित खड़े हो, अन्यथा अभी यही पृथ्वी में गाड़ देता तुम्हें। आपकी दया से नहीं, मैं यहाँ अपने प्रभु श्री राम के बल पर खड़ा हूँ। मुझे गाड़ना तो दूर, यहाँ लंका की इस राज सभा में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा पांव अपने स्थान से डिगा भी सके। जय श्री राम। रणभूमि में प्रभु श्री राम की शक्ति का सामना करने के पूर्व उनके नाम की अपार शक्ति से परिचय कर लीजिए लंकेश। किष्किंधा का युवराज और राम दूत होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूं, यदि इस राक्षस सभा में उपस्थित किसी भी योद्धा ने मेरे इस पांव को अपने स्थान से हिला दिया तो मैं ये वचन देता हूँ, ये मेरी ही नहीं स्वयं मेरे प्रभु श्री राम की भी पराजय होगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम बिना युद्ध किए अपनी समस्त सेना के साथ लौट जाएंगे। कहिए लंकेश, स्वीकार है मेरी चुनौती? ये कैसे चुनौती दे डाली युवराज अंगद ने? वानर तो वानर ही रहेंगे। मूर्ख वानर, अब उस वनवासी को ज्ञात होगा कि वानरों पर विश्वास करना अपने विनाश को आमंत्रित करने के समान है। विश्वास तो मुझे है अपने प्रभु श्री राम के नाम की महिमा पे। यदि इस राज सभा में किसी को कोई संदेह है तो वो आए और मेरा पांव हिला कर दिखाए। हे प्रभु, जिस प्रकार मेरी अष्ट सिद्धियां अंगद में प्रविष्ट हुई थीं, ठीक उसी प्रकार मेरी समस्त शक्ति उनके पांव में समाहित हो जाए। जय श्री राम।
राम 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 राम। भानर, बहुत बोल चुके हो तुम, मैं अभी तुम्हारा ये पांव हिलाऊंगा और यही पटक पटक कर वध भी करूंगा तुम्हारा। तो आओ राक्षस वीर, दिखाओ अपना सामर्थ्य और कर लो अपनी इच्छा पूर्ण।
जिसने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से महादेव के निवास कैलाश पर्वत को ही हिला दिया था, ये वही रावण है। यदि इसने युवराज अंगद के पांव को हिला दिया तो हम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही पराजित हो जाएंगे। ईश्वर की शक्ति का साथ हो तो बड़ा से बड़ा योद्धा भी घुटने टेक देता है।